हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज का व्लाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आप सभी को ले चलूँगा एक ब्राइडल मेक ओवर में किस तरह एक ब्राइड को कम्प्लीटली रेडी किया जाता है क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ईच एंड एवरी थिंग सो ये देखिए हम ब्राइड की लोकेशन में पहुँच गए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था मैं अराउंड थ्री ओ क्लाक उनके घर पर पहुँचता हूँ और फिर चलिए देखते हैं क्या क्या होता है सो so ये था ब्राइड के घर का एंट्री गेट बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हो चुका था लगभग 95 फाइव परसेंट डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर सब खाने पीने की व्यवस्था होने वाली थी आई वॉज तो वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस वॉज़ माई फर्स्ट एवर फुल फ्लज ब्राइड जिसको मैं खुद कम्प्लीट मेक ओवर करने जा रहा हूँ और वो भी अकेले वरना एज असिस्िस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ उनके रिचुल्स चल रहे थे तो मैंने रोज़ पेटल्स को लेकर इस तरह का एक बुफोन तैयार किया और उनके रिचुअल्स कम्प्लीटली डेढ़ घंटे तक चले और मैं बस बैठ कर वेट करा था मैंने अपनी पूरी वैनिटी निकाली लाइट्स को सेटअप किया और कैमरा को सेटअप किया सब कुछ करने के बाद फाइनली जब ब्राइड आती है तो करेंट चला जाता है ये देखिए लाइट है ही नहीं सो देन आई थॉट सब कुछ भूल भुला कर चलो डे लाइट में ही शुरुआत करते हैं तो मैंने स्किन प्रेप से उनका शुरुआत किया और ये रही ब्राइड आधे स्किन केयर के बीच में ही हम लोग चूड़ी सिलेक्शन करने के लिए बैठ गए थे कि लहंगे के साथ कैसा ज्वेलरी अच्छा लगेगा तो चलिए सुनते ब्राइड को ओके okay. So, ये है ब्राइड, इसका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा है और उसका लहंगा है यहाँ पर ओके okay, ठीक है आप बताइए आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए? दे चाहिए एकदम लहंगा तो मरून है ओके ओके okay, okay, तो चलिए इनका फाइनल लुक देखते हैं तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि ब्राइड बहुत ही ज्यादा डेज उन्होंने कम्प्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मैं किस तरह का मेक ओवर उनको दूंगा सो so, मैंने बहुत ही एक सटल बेस सोच कर रखा था और उसके साथ मैंने सोचा था कि एक स्मोकी मरून आइज़ और उसके साथ उनको गोल्डन ग्लिटर्स दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अब ये तो बस शुरुआत है अब एक के बाद एक इतने सारे लोग उस रूम में घुसते हैं जहाँ पर ब्राइड रेडी होने वाली होती है सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ब्राइड को मैं किस तरीके का लुक देने वाला हूँ उन लोगों के अंदर सब्र ही नहीं होता है अरे ब्राइड रेडी होकर बाहर ही जाएगी बट सभी लोग एक के बाद एक आते हैं और ये रही उनकी मॉम उनको इतने क्वेरीज़ होती हैं ये हट जाएगा ना ये तो नहीं दिखेगा ना कैसा मेकअप करोगे लाइट नहीं होना चाहिए बहुत सारे लोग आएंगे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ब्राइड्स की मॉम्स को और फिर देखते ही देखते मैंने कम्प्लीटली बेस मेकअप को कम्प्लीट कर दिया और पाउडर से सेट करने के बाद मैं आई मेकअप को कर रहा हूँ एज आई सेड कि मैं एक मरून स्मोकी आई उनको दूंगा विद गोल्डन ग्लिटर्स मैं वही कर रहा था जूरिंग द आई मेकअप भी इतने सारे लोग उस रूम में आ रहे थे इट वॉज़ कम्प्लीटली वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर मी डेढ़ से दो घंटे के अंदर एक ब्राइड करना इज़ नॉट अ एजी थिंग इतने सारे लोगों के बीच में जाना है ब्राइड को इतने सारे लोगों के साथ वो फ़ोटोज सेल्फीज़ वीडियोज़ होंगे अगर मेकअप नहीं टिका तो सभी दोष मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर ही आ जाएगा इट वॉज़ लाइक रियली रियली टफ जॉब फॉर मी बिकॉज हेयर करना है मेकअप करना है लहंगा पहनाना है ज्वेलरी पहनाना है ईच एंड एवरी थिंग वॉज रियली टफ फॉर मी ऑन दैट डे क्योंकि मैं भी पार्टी में इन्वॉल्व था मुझे भी उन लोगों ने इन्वाइट किया हुआ था बिकॉज दे वेर माई रिलेटिव और जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आफ्टर दैट हेक्टिक डे मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का बट आई थाट नहीं मैं तो आ चुका हूँ मैंने तो सब कुछ सेटअप देख लिया बट मम्मी पापा ने तो नहीं देखा है और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लोग आते हैं और उन ब्राइड से इतने क्वेश्चन पूछते हैं उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं इट वॉज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर मी और फिर भी दो से ढाई घंटे के अंदर मैंने उन्हें किसी भी तरह रेडी कर ही दिया और ये रही ब्राइड की मॉम उसी रूम में परेशान हो रही है क्या पहने क्या ना पहने और उसके बाद मुझसे थोड़ा सा टचअप भी करवाया उन्होंने और ये रही ब्राइट पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है उनकी मॉम और उनके फैमिली वालों के ऊपर फिर भी मैंने उनको किसी भी तरह समझा कर कि मत करो मेकअप ख़राब हो जाए बोल कर कम्प्लीटली आई लोग को कम्प्लीट किया फ़ाइनली और ये एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं सभी परेशान कर चुके थे और मैंने सोचा था कि एक विंग आई देंगे उन्हें बट उनके आइज़ हुडेड थी तो कुछ भी नहीं देखता इसलिए मैंने आई लाइनर लगा कर उसे थोड़ा सा स्मोक आउट कर दिया ताकि लोग और भी ज़्यादा इनहेंस लगे ये रहा उसका भाई सब लोगों को उसी रूम में घुसने एक के बाद एक सभी लोग उसी रूम पे आते हैं बट मैं तो अपने काम में जुटा हुआ था कि मुझे तो एनी हाउ कंप्लीट करना है बिकॉज़ हमारी बिहारी शादियों में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट करते करते बस हाथ में एक से डेढ़ घंटा ही रहता है और उसके अंदर ब्राइड को रेडी भी कर दो स्टेज पे ही बैठा दो सब कुछ हो जाना चाहिए विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर एवरी अगर अच्छा दिखना है तो टाइम देना ही पड़ेगा अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक इन्हेंसड लुक आपको दे पाएंगे जितना टाइम देंगे उसमें जितना अच्छा हो सके हम उतना ही अच्छा कर पाएंगे बट बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं कर सकते ना इट्स ऑन यू गाइज कि आप लोगों को वो मेक ओवर कितना ज़्यादा अच्छा लगे ब्राइड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ब्राइड की फ़ैमिली को भी तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना फाइनल लुक देखने के बाद कि ब्राइड का मेक ओवर कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है तो चलिए देखते हैं देख डेढ़ से दो घंटे के अंदर अकेले ब्राइड को रेडी करना इज़ नॉट अ जोक तो फाइनल लुक देखने के लिए रेडी रही है अब मैं घर गया और घर से फटाफट से रेडी होकर वापस पार्टी में आता हूँ बिकॉज़ मैंने पहले ही बताया मैं भी पार्टी में इनवाइटेड था सो चलिए चलते हैं और रात को पूरा सेटअप देखते हैं ये रहा ब्राइडल गेट की एंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ब्राइड का नाम निशा था और उनके हस्बैंड का नाम श्याम अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये रही मेरी मॉम घर पर आकर मैंने मॉम को भी रेडी किया खुद भी रेडी हुआ एंड देन उसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं ये रही मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी और ये रहा पूरा अंदर का सेटअप उनके घर पर मंदिर भी था तो माँ से आशीर्वाद भी ले लिया और ये रहा मंडप जहाँ पर शादी होने वाला था डांस खाना ईच एंड एवरी थिंग वॉज रियली रियली रेली गुड ट्रस्ट मी गायज इट वॉज़ अ फुल फुलजड बिहारी वेडिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और उसके बाद धीरे धीरे दुल्हन निकल आती है चारों भाइयों के साथ चुनरी के नीचे स्टेज पर जाने के लिए वर्माला के लिए और मैंने वहाँ से ही उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया ये रही मेरी ब्राइड कंप्लीट लुक फ्रंट से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये रही स्माइल करने के बाद वो स्माइल करती है आई होप आप सभी को ये मेकअप का लुक उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा As शी सेट शी वॉन्टेड a natural लुक मैंने बस उनको कॉन्टोरिंग ज़्यादा किया और उनके फीचर्स को इनहैंस किए हैं आई होप आप सभी को ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं ब्राइडल बुकिंग्स के लिए ओपन हूँ प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपके डोर स्टेप पर सर्विसेज़ अवेलेबल हैं ये रहा फोटोग्राफ़र फ़ोटोज़ ले रहा था स्टेज को अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टेज का डेकोरेशन था इसके बाद मैं मेरे मम्मी पापा हम लोग घर वापस आ जाते हैं लगभग दो बजे के आसपास और हम बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं ब्राइड के साथ जो कि मेरे फ़ोन में नहीं है सब कुछ फ़ोटोग्राफ़र के पास है और भी ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कॉमेंट पर बताना कि ब्राइड का लुक आपको कैसा लगा तब तक के लिए बाय थैंक यू सी यू